हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, लास्ट की क्लास में हमने जाना था सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। आज हम लोग जानेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू हेल्प यूजर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का समूह होता है जिसे यूजर्स की मदद करने के लिए बनाया गया है। मीन्स यूजर्स जो है इसकी मदद से किसी भी टास्क को, किसी भी काम को वो अच्छे से कर पाते हैं। दे मे बी इंस्टॉल्ड ऑन ए कंप्यूटर डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र रिक्वायरमेंट्स। वो इस एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन बने होते हैं, इसे वो अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में डाउनलोड करके उसका उपयोग कर सकते हैं। ये यूजर के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट आवश्यकता, यूजर को किस चीज़ की आवश्यकता है, कैसी आवश्यकता है। अगर उन्हें आवश्यकता है एप्लीकेशन किसी भी एप्लीकेशन की, तो वो इसे इंस्टॉल करके उस पर अच्छे से वर्क कर सकते हैं। In other words, an application software is designed to do one or more special tasks on a computer. दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि एक application software एक या उससे अधिक कोई खास काम को computer पर करने के लिए बनाया गया है। User इसकी मदद से computer पे किसी work को एक सही तरीके से प्रॉपर रूप में कर सकते हैं, आसानी से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। इट गाइड्स द यूज़र विथ ए टूल फॉर इजी ऑपरेशन ऑन ए पर्टिकुलर फंक्शन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र को गाइड करता है, उसे एक रास्ता दिखाता है एक टूल के द्वारा। उसमें कुछ टूल होते हैं, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अगर हम यूज़ करते हैं उसे इंस्टॉल करने का, उसके अंदर कुछ टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी काम को ईजिली कर पाते हैं। ठीक है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, सम ऑफ देम आर। कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर में नहीं, मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसे आप कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल में भी उपयोग कर सकते हैं। जिसमें से कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे वर्ड होगा। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मीडिया प्लेइंग सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जो कि अभी अवेलेबल हैं। तो इन सभी का क्या यूज है, कैसे इनका उपयोग करते हैं यूज़र, इन सभी के बारे में अब हम लोग एक एक करके जानेंगे। फर्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर allows us to create, edit, save and print the text documents such as letters, essays, books, etc. on the computer. Word processing software हम लोगों को किसी भी चीज़ को क्रिएट करने में, उसको एडिट करने में या फिर सेव करने में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से हम किसी भी चीज़ को प्रिंट भी कर सकते हैं। और इसकी मदद से हम लोग जैसे ऐसे अगर हमको लिखना है, ये देखिए फॉर एग्जांपल इसको समझना इजी हो जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है, ठीक है, इसमें आपको सपोज इसमें आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से हम आप इसमें इजीली लिख सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली आप इसमें टाइप कर सकते हैं। आपको कोई टेक्स्ट लिखना है या फिर कोई ऐसे लिखना है या फिर कोई बुक्स आपको लिखना है, इसकी मदद से आप आसानी से वर्ड प्रोसेसिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप जो है किसी भी
डॉक्यूमेंट्स को इसमें, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया ठीक है, तो उसको आप प्रिंट कर भी सकते हैं। सम ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर एमएस वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड। एमएस वर्ड, वर्डपैड एंड नोटपैड, ये सभी जो हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं और उसे प्रिंट भी कर सकते हैं आसानी से। आपकी जो भी नीड है उसे आप इसमें सेव करके, डॉक्यूमेंट्स बना के सेव कर लीजिए और उसको फिर प्रिंट करके आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं ठीक है। वन मोर एग्जांपल इसका है, जैसे आपको आपके स्कूल का ही कुछ वर्क है ठीक है, जैसे कि कोई चैप्टर वाइज हो गया, कुछ क्वेश्चन आंसर है, आप अगर उसको चाहे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके या फिर वर्डपैड या फिर नोटपैड, ये सभी एप्लीकेशन है, इसमें जाके आप बाय क्वेश्चन आंसर लिख के उसका एक डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं और उसको सेव करके रख सकते हैं, या फिर अगर आपको नीड है तो उसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इस तरीके से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे मीडिया प्लेइंग सॉफ्टवेयर। मीडिया प्लेइंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? दे गाइड यू टू प्ले ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स ऑन दी कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल विंडोज मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेइंग सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग किसी भी ऑडियो को प्ले कर सकते हैं, मीन्स सुन सकते हैं। ऑडियो मीन्स जिसे हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं उसे ऑडियो बोलते हैं, एंड वीडियो जिसे हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। कंप्यूटर में हम लोग इसकी मदद से किसी भी ऑडियो या वीडियो को चला सकते हैं, किसमें? विंडोज़ मीडिया प्लेयर में। विंडोज़ मीडिया प्लेयर मीडिया प्लेइंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है? डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटाबेस डाटा का कलेक्शन होता है, संग्रह होता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेस एंड मैनेजेस डेटा। दे गाइड यू टू क्रिएट, एडिट, सेव एंड प्रिंट डेटाबेस सच एज एड्रेसेस, बुक एंड टेलीफोन इंटैक्स इटीसी ऑन द कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल एमएस एक्सेस। डाटाबेस सॉफ्टवेयर जो है ये डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखता है और इसे मैनेज करके रखता है। ऑर्गेनाइज मीन्स होता है व्यवस्थित, व्यवस्थित तरीके से रखता है, रो में उस या फिर टेबल वाइज इसमें आप जो है डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये आपकी मदद करता है डेटाबेस किसी भी जैसे एड्रेस बुक हो गया उसको क्रिएट करने में, या फिर टेलीफोन इंडेक्स हो गया इसको आप सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं सेव करके। आपको अगर किसी का एड्रेस बुक बनाना है तो आप उसे बना के इसमें सेव करके फाइल वाइज रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एमएस एक्सेस में जाके, एमएस एक्सेस जो है वो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, आपको ये याद रखना है। तो एमएस एक्सेस में आप जो है आराम से किसी भी डेटा को टेबल वाइज मैनेज करके रख सकते हैं ठीक है। आपके यूज़ का जो भी है ऐसे फाइल वाइज बना के, अलग अलग फाइल बना के, डॉक्यूमेंट बना के आप स्टोर करके रख सकते हैं। आपको जो भी नीड होगा उस टाइम आप आसानी से उसे सर्च करके ढूंढ के आप उसे निकाल सकते हैं। इससे आप इजीली कोई भी डेटा को खोज सकते हैं, कभी भी काम पड़े तो उसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप टेबल वाइज बना के रख सकते हैं। तो एमएस एक्सेस का ये एक गुण है ठीक है। और इधर ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर का पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर दे गाइड यू टू क्रिएट, एडिट एंड सेव प्रेजेंटेशन ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक यूजिंग टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो एंड वीडियो मटेरियल्स।
प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग किसी भी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं। मीन्स हमने अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाया, उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसे आप एडिट भी कर सकते हैं एंड देन उसको आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की मदद से उसे आसानी से उसका उसको क्रिएट कर सकते हैं। उसमें ऑडियो मटेरियल्स भी रहते हैं, वीडियो मटेरियल्स भी रखते हैं, किसी भी पिक्चर्स का आपको यूज़ करना है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से। Such presentations are shown to a large gathering of audience using a projector. कुछ प्रेजेंटेशन है होते हैं जो कि जैसे कि भीड़ अगर है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस की भीड़ है, उसमें आपको प्रेजेंटेशन देना है किसी भी टॉपिक पे। ठीक है, तो मान लीजिए आपको पॉल्यूशन पे आपको प्रेजेंटेशन देना है, पॉल्यूशन एक टॉपिक पे इसके बारे में आपको बताना है, ऑडियंस को आप बताना चाहते हैं इसके बारे में, इसके इस हम लोगों को कैसे पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना चाहिए, इन सब के बारे में आप बताना चाहते हैं, तो आप इसे प्रेजेंटेशन के द्वारा दर्शाना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऑडियंस हैं, उसकी गैदरिंग है, भीड़ है, तो उसमें आप इसको कैसे प्रेजेंट करोगे, प्रोजेक्टर के द्वारा। ठीक है, और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है MS पावर पॉइंट। ठीक है, MS पावर पॉइंट के द्वारा आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेजेस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक सॉफ्टवेयर फॉर ईच एंड एवरी एप्लीकेशन। सभी एप्लीकेशन के लिए, जितने भी एप्लीकेशन हैं उन सभी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना बहुत कठिन है। हैंस सम जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉमन यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशंस। इसीलिए कुछ सामान्य उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का है कि इसकी मदद से जो है यूज़र के जो भी यूज़र हो गए और या फिर जो संस्था है उसका जो भी आवश्यकता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा पूरा किया जाता है। टुडे देयर आर सॉफ्टवेयर पैकेजेस अवेलेबल फॉर 3 मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क फील्ड। आज के दिनों में 3 जो मुख्य फील्ड हैं वहाँ पे सॉफ्टवेयर पैकेजेस अवेलेबल हैं, जैसे ऑफिस, ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। इन तीनों फील्ड्स में इनका उपयोग बहुत किया जाता है मैनली। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सुइट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर ऑफिसेस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सुइट जो है यह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर पैकेज है। किसके लिए? ऑफिस के लिए। दिस पैकेजेस हैज़ ए सेट ऑफ सम सॉफ्टवेयर डिज़ाइंड फॉर कॉमन फंक्शंस इन जनरल ऑफिस, फॉर एग्जांपल MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस एंड MS आउटलुक। इसमें जो इस पैकेजेस में सॉफ्टवेयर के समूह होते हैं जिसको डिज़ाइन किया गया है किसी भी सामान्य काम को करने के लिए, ऑफिस में छोटे छोटे काम होते हैं उसको करने के लिए। MS वर्ड की मदद से ऑफिस में किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आसानी से बनाया जा सकता है, MS एक्सेल की मदद से, MS पावर पॉइंट की मदद से प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है, MS एक्सेस की मदद से वहाँ ऑफिस में जो भी जितने भी डेटा होते हैं उसको सीरियल वाइज, टेबल वाइज उसको स्टोर करके एक सही तरीके से रखा जा सकता है। तो इन सभी का उपयोग ऑफिस में मैनली किया जाता है। ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग, these types of software packages consist of a set of softwares commonly used to combine both text and graphics or images. इस प्रकार के सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर के समूह से बने होते हैं जिसका सामान्य उपयोग जो है वो टेक्स्ट और इमेज को, दोनों को कंबाइन करना है। These software are applied basically in advert
एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिशिंग इंडस्ट्री टू क्रिएट एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर, बुक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स, कैटलॉग्स, पोस्टर्स, मैगजीन्स ईटीसी. इट मीन्स इन सभी सॉफ्टवेयर का अप्लाई मीन्स उपयोग जो है इन सभी का एडवर्टाइजिंग में किया जाता है, मीन्स किसी भी चीज़ का प्रचार करने के लिए किया जाता है. या फिर पब्लिशिंग इंडस्ट्री, जैसे पब्लिशिंग इंडस्ट्री जहाँ पे कोई भी चीज़ पब्लिश किया जाता है, जैसे बुक पब्लिश होता है, मैगजीन पब्लिश होते हैं, न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, इन सब पब्लिशिंग इंडस्ट्री में. और एडवर्टाइजिंग में जहाँ पे प्रचार किसी भी चीज़ का किया जाता है तो वहाँ पे इनका उपयोग होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कॉरेल ड्रॉ ग्राफिक्स स्वीट, क्वार्क एक्सप्रेस, एडोब ओएस ईटीसी, इन सभी सॉफ्टवेयर की मदद से एडवर्टीजमेंट आसानी से किया जा सकता है, या फिर बुक्स पब्लिश किए जा सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के कार्ड्स होते हैं उनको इसकी मदद से पब्लिश किया जा सकता है, मैगजीन्स की मदद से. यहाँ पे इन सभी कॉरेल ड्रॉ सॉफ्टवेयर का पिक्चर बना हुआ है और क्वार एक्सप्रेस का बना हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन. मल्टीमीडिया और एनिमेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? दिस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉमनली यूज्ड टू क्रिएट फुल मोशन वीडियो एनिमेशन हैविंग साउंड ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट एट अ हाई रेट ऑफ इंटरैक्शन. इन सभी सॉफ्टवेयर पैकेजेस का उपयोग जो होता है, ये सभी जो बने होते हैं मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन जो है सॉफ्टवेयर, ये पैकेजेस बने होते हैं किसके, सॉफ्टवेयर के समूह से, और जिसका सामान्य उपयोग किया जाता है किसी भी वीडियो को एनिमेटेड वीडियो बनाने के लिए. उसमें क्या होता है, आप एनिमेशन हैविंग साउंड, मतलब आप किसी भी साउंड को एनिमेट करके, मतलब उसे बदल के, आप दूसरे शब्दों में बोला जाए तो आप एनिमेट करके उसमें साउंड ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट, या फिर आप उसमें इमेजेस जो होते हैं उन सभी को डाल के आप उसको कुछ अलग बना सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एडोब फ्लैश स्वीट, 3D मैक्स, ऑटोडेस्क माया ईटीसी, इन सभी एप्लीकेशन के द्वारा आप किसी भी वीडियो को एनिमेट कर सकते हैं. यहाँ पे 3D मैक्स और ऑटोडेस्क माया का एग्जांपल दिया हुआ है, कैसे इसमें उपयोग करके आप एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं. नीचे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, इसको हम लोग जानेंगे. पेगासस सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज एमंग द फर्स्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च्ड फॉर द MS-DOS प्लेटफॉर्म. पेगासस सॉफ्टवेयर जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग का फर्स्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ था अकाउंटिंग के लिए, MS-DOS प्लेटफॉर्म के लिए. नीचे कुछ लाइफ स्किल दिए गए हैं, कीप डिलीटिंग अनवांटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम द कंप्यूटर. कंप्यूटर से हमें जो भी अनयूजफुल फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है उसे डिलीट करते रहना चाहिए. दे टेक अ वैल्यूएबल डिस्क स्पेस, वैल्यूएबल स्पेस वो ले लेते हैं. अनवांटेड फाइल्स ऑल्सो क्लटर अप द
कंप्यूटर इफ़ यू डिलीट दिस फाइल्स रेगुलरली यू विल फाइंड इट ईजियर टू कीप योर वर्क ऑर्गेनाइज्ड। अगर अनवांटेड फाइल आप डिलीट करते रहेंगे, इससे आपका जो है कंप्यूटर वो अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, तो जो फाइल जिसका वर्क नहीं है उसे डिलीट करते रहना है कंप्यूटर से। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।